Hello students, welcome to Law School. In today's class, we are going to discuss the very important judgment, that is Election Commission of India versus Mr. Vijaya Bhaskar. ठीक है जी, इस केस में देखो क्या बात थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला था कि जो सिटीजन्स है, दे हैव द राइट टू नो द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ ओपन कोर्ट. ठीक है, इसमें इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, उसके तहत जो था उन्होंने बोला था कि जो प्रोसीडिंग्स में बात हो रही है, अगर वो पब्लिक यू नो के इम्पोर्टेंस की है और उनको वो बातें जानना बहुत जरूरी है, तो दे हैव द राइट टू नो द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफ दैट पर्टिकुलर ओपन कोर्ट. ठीक है जी, सो ये आपका केस है जी, जस्टिस धनंजय वर्सेस दैट इज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड मिस्टर शारे जो है इस केस में जजमेंट दी है. आपको पता ही है डी वाई चंद्रचूड़ आज हमारे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना. सो सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड मिस्टर शाह एम आर शाह सेड दैट द आइडिया ऑफ एन ओपन कोर्ट मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कोर्ट केस इंक्लूडिंग ओरल कमेंट्स बाय द बेंच मस्ट बी अवेलेबल टू द पब्लिक. तो पहली क्या बात क्या बोली कि अगर ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं तो उसकी जो इंफॉर्मेशन में कुछ ओरल कमेंट्स भी अगर हो रहे हैं तो वो भी अवेलेबल कराए जाए टू द पब्लिक. द मेन इशू इन द केस वॉज वेदर और नॉट अ जज हैड द राइट टू होल्ड कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड टॉक टू द पार्टीज ड्यूरिंग अ हियरिंग, वेदर और नॉट द मीडिया हैड द राइट टू रिपोर्ट. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में. देखो अब कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बात चली है, कुछ बात कही है जस्टिस ने, तो पॉइंट क्या बनता है कि डू मीडिया हैज अ राइट ओवर दैट प्रोसीडिंग्स. क्या उनका उस पे अधिकार है कि वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो क्या करें, फ्लैश आउट कर दे पब्लिक को थ्रू द मीडियम ऑफ द मीडिया द प्रेस, है ना. बट ऑल्सो कोर्ट प्रोसीडिंग्स और कमेंट्स मेड टू दीज प्रोसीडिंग्स. तो ये वाली बात थी इसमें हुई कि मीडिया क्या ऐसी चीजों को रिपोर्ट कर सकती है कि नहीं, अगर कुछ बातें हो रही हैं डिस्कस, क्या वो पब्लिक गुड के लिए हम पब्लिसाइज कर दें कि ना करें. ठीक है जी, सो द डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ मीडिया टू रिपोर्ट ऑन कोर्ट केसेस. देखो ये एक ऐसा केस था जिसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हुई थी, और एक आपका अर्णब गोस्वामी का केस था जी जिसमें उन्होंने बोला था कि यस मीडिया डू हैव द राइट ओके बट दैट शुड बी डन इन द लिमिट, है ना. सो द राइट ऑफ द मीडिया टू रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज सिने क्वा नॉन फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी. द मीडिया वुड हैव द राइट टू रिपोर्ट एवरीथिंग दैट ट्रांसपायर्स ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, दो द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स. द रिपोर्टिंग ऑफ द मीडिया इज मेयरली कंसिडर्ड टू बी द रिपोर्टिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स. यहाँ पे जो मीडिया का पॉइंट वॉज ऑन क्वेश्चन, यू नो तो कोर्ट ने बोला कि द राइट ऑफ मीडिया टू रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ साइन क्वा नॉन फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी. क्लियर स्टूडेंट्स, सो आगे पढ़ते हैं, फैक्ट्स देखते हैं क्या थे फैक्ट्स. इलेक्शन कमीशन ने देखो जिसमें जनरल इलेक्शंस जो थे अनाउंस कर दिए थे तमिलनाडु केरला के. ठीक है, तमिलनाडु केरला वेस्ट बंगाल असम पुडुचेरी. सो तमिलनाडु वोटिंग शेड्यूल 6 अप्रैल को था और उसके बाद रिजल्ट्स May 2 को थे. उसके बाद इलेक्शंस के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरीज ऑफ ऑल नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को March 12 के लिए बोला था. सो इस पूरे प्रोसीजर में क्या था, COVID-19 का जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आपको पता है उस दौरान 21 में कोविड बहुत ही उस Level 2 आया था, है ना. तो बहुत ही ज्यादा तब लॉकडाउन भी लगा था, बट क्या करे, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे और कोविड का जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे. उसके बाद लेटर फिर से April 9 को ही गया था पोलिंग फेज का. ऐसे ही 16 को कुछ कराया उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स के लिए, फिर एक दूसरा प्रोटोकॉल के लिए. मतलब जो भी था इशू तो हो रहे थे, बस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी देख के कर रहे थे, बट कुछ इतनी इम्प्रूवमेंट जो थी उसमें नहीं दिख रही थी जो गाइडलाइंस वो दे भी रहे थे. ठीक है जी, उसके बाद 16 अप्रैल को भी बहुत ज्यादा कहते केसेस अराइज कर गए.
ठीक है ना। तो क्योंकि क्यों राइज करके, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शंस बोल दी थी उसके चलते हुए कुछ सेफ्टी हैजर्ड्स कुछ भी नहीं ले पा रहे थे, और जो काउंटिंग बूथ से उस पे बहुत ज्यादा जो था केसेस फैल रहे थे, और जो कोरोना के केसेस जो थे उसमें बहुत राइज देखा गया था। सो एज नो रिस्पॉन्स वॉज अबटेन्ड, अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रही थी, उसका कुछ कुछ में मतलब उसका आंसर नहीं कर रही थी ना, अपने ऊपर ब्लेम ले रही थी। एक रिट पिटीशन जी फाइल हो गई हाई कोर्ट में टू सीक डायरेक्शंस दैट सिग्निफिकेंट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द अरेंजमेंट्स दैट शुड बी मेड इन, यू नो, बाय कीपिंग इन COVID-19 प्रोटोकॉल, बिकॉज वो बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे थे, इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर रही थी उसको लेते हुए। सो उन्होंने बोला, रिट पिटीशन फाइल करी गई कि पोलिंग बूथ में, जैसे करूर लेजिस्लेटिव असेंबली है तमिलनाडु में और जो भी मद्रास की है, वो सारे देखे, और आर्टिकल 226, आपको पता ही है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में पड़ती है रिट पिटीशन, तो उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में डाल दी थी कि देखिए जी, इलेक्शन के चलते हुए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो अनाउंस कर दिए हैं, बट कोई भी ढंग से जो है कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ राइज इन द केसेस, क्लियर। और रिट पिटीशन डाल दी। तो रिट पिटीशन दो जजेस ने देखी, दो जज बेंच बैठा था वहां पे मद्रास हाई कोर्ट में, और उन्होंने कौन से जजेस थे, संजीव बैनर्जी सेंथिल कुमार रामामूर्ति, और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया जी 26 अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो कहते चाहे ऑर्डर पास हो गया था, ये वाला ऑर्डर था इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा अर्क कर गया, बिकॉज द रिमार्क्स पास अ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय जजेस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स व्हिच डिड नॉट गो डाउन वेल, द रिमार्क्स दैट वर मेड बाय द जजेस एंड पॉइंटेड आउट इन द पिटीशन आर, ये बात सुनना ध्यान से, द सोली रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन फॉर द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड इज इलेक्शन कमीशन, ये बात बोल दी, एंड इलेक्शन कमीशन शुड बी चार्ज्ड विद द मर्डर। हाँ जी, ये बात बोल दी, जो बात इलेक्शन कमीशन को हजम नहीं हुई, क्या कौन सी बात बोली कि द सोली रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन फॉर द सेकेंड वेव इन कोविड इज इलेक्शन कमीशन, तो ये बात बोल दी थी, उन्होंने बोला दे शुड बी चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ मर्डर, बिकॉज बहुत सारी डेथ हुई थी उस टाइम पे, तो उन्होंने ये भी बात बोल दी। अब बात क्या है, ऐसी बात इलेक्शन कमीशन को बोल दी, उनको ये बात जची नहीं, ठीक है ना। सो ये वाले रिमार्क्स सुन के जो हाई कोर्ट में बोले, मीडिया ने भी ऐसे रिमार्क्स के ऊपर हेडलाइंस प्रिंट कर दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, ऐसी ऐसी जो थी इसके ऊपर जो था, जो डिस्कशंस हुई थी उसकी, आपको पता ही है मीडिया क्या करती है, बाल की खाल उदार उधेड़ देती है, अच्छे से उधेड़ देती है, तो उन्होंने यही काम किया, ये बात मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दी, और उन्होंने वैसे ही जो थी यू नो अपनी प्रेस में वैसे वैसे हेडलाइंस प्रिंट करवा दी, दिस मेड द इलेक्शन कमीशन फाइल स्पेशल लीव पिटीशन। अब इसको चलते चलते इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल लीव पिटीशन जो थी फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है जी, दैट वाज नॉट एज बेर ऑन मेरिट्स एंड आल्सो रिगार्डिंग द ओरल ऑब्जर्वेशन एंड रिमार्क्स ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। इन्होंने बोला कि जो ओरली ऐसा, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने रिमार्क्स बोले थे, ये क्यों पब्लिक डोमेन में लेके आए हो आप, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो रही थी, अब ऐसे हेडलाइंस प्रिंट हो गए, तो इलेक्शन कमीशन ने SLP फाइल कर दी कि जो ओरल रिमार्क्स है आप उसको कुछ सोचो, आप क्यों उसको पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हो, ठीक है। एक बार हम देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट ने क्या बोला, द कोर्ट हर्ड द पिटीशन एंड पास इन ऑर्डर दैट दो द पोलिंग वॉज मोस्टली पीसफुल, ईसी मतलब यानी कि इलेक्शन कमीशन फेल टू इंश्योर द एडहरेंस ऑफ द प्रोटोकॉल्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द कैंपेन्स एंड रैलीज, कहते हमने इतने रिपीटिवली ऑर्डर्स बोले कि अपने नॉर्म्स, अपने जो भी है, इलेक्शन कमीशन को बोला कि अपना प्लीज कुछ मेंटेन करो, कोविड सेकेंड वेव जो है आ गई है, जिससे बहुत सारे केसेस अराइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, बट इलेक्शन कमीशन क्या रही, चुप रही, ठीक है, ऑर्डर क्या कर दिया, वायलेट कर दिया, और ऐसी सिचुएशन होगी कि कुछ यू नो द सिचुएशन, द स्टेट वॉज अंडर कंट्रोल बट द पोलिंग, द पोलिंग एंड द काउंटिंग ऑफ वोट्स इज नो वे शुड हैव एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द फर्दर सर्ज इन द केसेस। अब आपको पता ही, चाहे तब तो फिर भी सिचुएशन कुछ कंट्रोल में थी, फिर उसके बाद पोलिंग होनी थी, काउंटिंग होनी थी, देखो रैलीज होती हैं, बहुत कुछ होता है जब इलेक्शन होती है, तो वो चीजें क्या करती हैं, कहते वो चीज ने एज अ कैटलिस्ट वर्क कर दिया और भी केसेस में अराइज कर दिया। पब्लिक हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फैक्ट दैट द
constitutional authorities need to be reminded of this is upsetting to the court. This point is very, very, very much important. This point says कि देखो public health you know is a very important factor. And election commission was trying to play with those emotions of the public health. और इतना रिमाइंड कराने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी ढंग का काम नहीं किया. जो चीज जो है वो बहुत अपसेटिंग है, ठीक है ना. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, कह रहे कि जो सिचुएशन अराइज हो गई है, ठीक है, वो कहते द प्रिवेलिंग सिचुएशन इज वन ऑफ सर्वाइवल एंड टू एंजॉय द राइट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द सिटीजंस नीड टू सर्वाइव फॉर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कहते अगर आपके पास दो सिचुएशंस है, एक सिचुएशन में ऐसी बात हो रही है कि ठीक है सर्वाइवल इज द नीड, और दूसरे में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में यानी कि आपकी वोटिंग इलेक्शन हो रही है, तो कहते अगर दोनों को बातों को तोला जाए तो कौन सी बात इंपॉर्टेंट रहेगी. यही बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक बंदे का यू नो सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इलेक्शंस, ठीक है. बट ये इलेक्शन कमीशन ने तब सोचा नहीं, है ना. सो कहते द इलेक्शन कमीशन नीड्स टू कीप अप विद रेगुलर क्लीनिंग, कीपिंग थिंग्स क्लीन, मेकिंग श्योर पीपल वेयर मास्क एंड स्टिकिंग टू द रूल्स अबाउट डिस्टेंस, all while consulting the state health secretary and the director of public health. So April 30 ko the petition was disposed of in the light of measures taken along with the miscellaneous application related provisions article 19 clause 1 of the constitution of india. All citizens shall have a right. ab dekhiye yahan pe unhone ye baat bahut achhi boli ki jo aapka article 19 clause 1 hai constitution ka wo kya baat karta hai ji, wo yahi baat karta hai that we the people of india all the citizens shall have a right to freedom of speech and expression. Clear. Now freedom of press is not specifically mentioned, aapko pata hai 19 mein nahi mentioned, but article 19 clause 1 clause a of the constitution and what is mentioned there is only freedom of speech and expression. Par yahan pe again jo media ne news clippings lagayi hai us pe fir hui hai charcha. तो क्या कह रहे हैं, कहते जब कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ने डिबेट करी थी, अंबेडकर जी ने क्या बोला था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहीं पे भी मीडिया प्रेस का यानी कि कहीं पे भी जिक्र नहीं करा था, उनका कोई स्पेशल मेंशन नहीं करा था. तो उनके लिए प्रेस हो गया, इंडिविजुअल हो गया, उनके पास सबके पास सेम अधिकार है. एक आपका देखो एक अर्णव गोस्वामी अगेन आई एम रिपीटिंग केस है, उसमें जो है मीडिया के पाव को कटिंग थोड़ा सा करने की कोशिश करी गई थी, और ये वाला केस है जिसमें उन्होंने बोला है कि कुछ अगर न्यूज मीडिया प्रिंट कर रही है जो पब्लिक डोमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो पब्लिक ऑल्सो हैज अ राइट ओवर दोज थिंग्स. क्लियर स्टूडेंट्स. सो अगर यहाँ पे केस देखो रमेश थापड़ वर्सेज स्टेट ऑफ मैड्रास एंड ब्रिज भूषण वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली, Supreme Court took it for granted that the freedom of press was an essential part of the right to freedom of speech and expression. It was observed by Patanjali Shastri and Ramesh Thapar that the freedom of speech and expression included the propagation of ideas and that freedom was ensured by the freedom of circulation. कहते हैं जी इस particular case में court ने बोला था, क्या बोला था कि जो आपका freedom of speech and expression है इसमें जो आपके पास ये फ्रीडम मिली है इसमें जो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन है वो आपको कहां से पता चल रहा है, सर्कुलेट यानी पब्लिकेशन कुछ हो रही है वहां से पता चलेगा ना, तो वो चीज भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी. सो एपलेंट के देखो जी क्या आर्गुमेंट्स थे उन्होंने, मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा क्या सबमिशन दी. पहली सबमिशन दी हाईकोर्ट शुड नॉट हैव मेड नेगेटिव और कमेंट्स. पहली उन्होंने ये बोली कि ठीक है अगर ईसी से गलती हो भी गई थी तो उनको ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स जो थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं देने चाहिए, दैट दे शुड बी कंसीडर्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, है ना. सो दूसरा पॉइंट था द कमेंट्स हाईकोर्ट के जो थे वो बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट्स मतलब न्यूज वालों ने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर दिए थे, ठीक है, जिससे जो लोगों का इलेक्शन कमीशन में ट्रस्ट है वो हिल जाएगा और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक फिर बहुत ही वीक अथॉरिटी लगेगी. तीसरा पॉइंट बोला जुडिशियल रिव्यू, कहते इलेक्शन कमीशन का बहुत लिमिटेड है. अगर कहते क्वेश्चनिंग की बात करें कि इलेक्शंस कैसे चलाने हैं कैसे नहीं, तो कोर्ट्स को ध्यान से ये बातें जो है बोलनी चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी सोचना चाहिए. अगला पॉइंट बोला कि पेंडेमिक में ऐसा था कि बहुत सारी स्टेट्स थी जिनमें इलेक्शंस होना था, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो करवाएं, और देखो कहते उन्होंने भी जरूरी स्टेप्स तो लिए हैं कोविड के लिए, बट ये कोविड ही देखो ऐसा था कि इट वॉज वेरी कंटेजियस, ठीक है. सो उन्होंने बोला कि ईसीआई डज नॉट ओवरटेक द गवर्नेंस फ्रॉम द स्टेट ड्यूरिंग इलेक्शन एंड हैज लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सोनल एट इट्स
डिस्पोजल ने बोला कि उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ करा, वो क्या करे, अब स्टेट वालों को भी कुछ ना कुछ ध्यान जो था इसमें देना चाहिए था। और लास्ट पॉइंट बोला कि मीडिया मस्ट मेक श्योर दैट द कवरेज ऑफ कोर्ट केसेस इज एक्यूरेट एंड मस्ट नॉट ट्राई टू मेक दम मोर इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बोला कि मीडिया को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि कोर्ट में कुछ ऐसी बात हो रही है, वो जो बोल रहे हैं वो ही बोले एक्यूरेसी के साथ, अपने आप से मिर्च मसाले लगा के उसको इंटरेस्टिंग मत बनाए, यही बात बोली ना उन्होंने। अब आगे पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन आई है जी इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट इसमें बोला है कि दीज कन्वर्सेशंस आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स एंड टू गिव पीपल टू नो व्हाट ऑल इज गोइंग इन द कोर्ट, दे हैव द राइट टू नो इट, है ना। देखो उन्होंने बोला कि प्रेस ने क्यों डाला, यहाँ पे कोर्ट ने बोला वो डालेगी, क्यों नहीं डालेगी, ठीक है। द कन्वर्सेशन दैट गोज ऑन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग शोज हाउ द प्रोसेस इज सेट अप एंड शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक। ओरल आर्गुमेंट्स आर बेस्ड ऑन द ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज थ्रू व्हिच दीज आर टेस्टेड एंड एनालाइज्ड। आगे देखिए कोर्ट ने कहा सिटीजन हैज अ राइट टू नो अबाउट देयर आर्गुमेंट्स ब्रॉट बिफोर द कोर्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर। देखो सीधी सीधी बात ये बोली है कि कोर्ट में कुछ भी हो रहा है अगर वो पब्लिक डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट है तो उनका हक बनता है वो जानेंगे बात, ठीक है जी। तो उन्होंने केस यहाँ मेंशन करा मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पॉइंटेड आउट दैट दिस इज नीडेड टू कीप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ओपन एंड अकाउंटेबल टू कीप द पब्लिक फेथ इन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहते इस केस में क्या बोला था कोर्ट ने कि ऐसी चीजें जो है यू नो हमें रखनी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ऐसी चीजें ओपन एंड अकाउंटेबल रखेंगे सो देट पब्लिक का इसमें फेथ बनी रहे, तो वो समझे कि कोर्ट में पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे ही बड़े नाम लगते हैं कोर्ट से, लोगों को थोड़ा बहुत भरोसा अभी भी है कोर्ट पे इन बातों के करके, नहीं तो वो भी भरोसा है निकल ही जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या बोला, उन्होंने ये भी बोला कि जो ओरल मार्क्स मिल रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के द्वारा आर नेवर रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर और जजमेंट एंड द क्वेश्चन ऑफ रिमूविंग देम डज नॉट अराइज। कहते हैं अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ठीक है, कुछ ओरल रिमार्क्स यानी कि ओरल है वो, उसका कोई लिखती में ऑर्डर में जजमेंट में कोई लेना देना नहीं होता बट वो बोले जाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं आप उसको रिमूव करने की बात ही कहां से कर रहे हो जब वो ऑर्डर में लिखे ही नहीं जाते। अगर कुछ कोर्ट ने कह दिया, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला उनको मर्डर ये वो बोल दिया, वो नो डाउट हार्श थे रिमार्क, बट उन्होंने बोला कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो है ऑफ द कट स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑफ द कफ होती हैं, जजेस शुड रिस्ट्रेन देमसेल्व्स इन ओपन कोर्ट। It was emphasized that the language used by the judges while making oral observations in the judgments should have judicial propriety. ठीक है, कहते no doubt remarks बहुत ही ज्यादा harsh थे, थोड़ा जजेस को आगे से ध्यान रखे, ओपन कोर्ट में ऐसी बातें जो है वो ना बोले। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला, जजमेंट क्या आई, इन्होंने बोला जी इन्होंने जो प्रेयर इन्होंने बोली थी वो रिजेक्ट कर दी इलेक्शन कमीशन की, सीधी सीधी उन्होंने बोला कि हम आपकी रिजेक्ट करते हैं कि जो आपने कहा है मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करो रिपोर्टिंग एनी ओरल रिमार्क्स एज इट स्टॉक ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल गारंटीड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर मोर जजेस ने क्या बोला, कंसेप्ट ऑफ ओपन कोर्ट बारे में समझाया, रिक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट मे बी एक्सेसिबल टू द पब्लिक एंड दस इट शुड बी मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। हाँ जी, तो इन्होंने जो प्रेयर में लिखा था कि जो मीडिया क्या करती है ऐसे ओरल रिमार्क्स को प्रिंट कर देती है, ये चीजें बंद कराओ, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इन्होंने ये बात बोली, ठीक है। कहते इन्होंने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गारंटी करे हैं उसके अगेंस्ट है, बट कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो ओपन कोर्ट का है पब्लिक डोमेन की पूरा हक बनता है कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हुआ है या हो रहा था या हुआ था उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो उसकी एक एक बात को जाने, क्योंकि अगर वो उनके लिए बात जरूरी है तो वो उसके बारे में जानेंगे। देखो अब इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइवेट प्रोसीडिंग्स, और स्पेशली जो आपके सेंसिटिव केसेस होते हैं उनकी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं रखते, ठीक है। रेप केसेस हो गए उसमें जैसे उनको नहीं बताना होता क्योंकि विक्टिम पे एक स्टिग्मा लग जाता है,
तो बनी हुई है कुछ बातें जब नहीं बतानी पब्लिक डोमेन में, बट ऐसी बातें जहां पे ओरल रिमार्क्स पब्लिक गुड के लिए हो रहा है, पब्लिक को भी पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं, उसमें गलत क्या है ना? इट इज नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे क्या बोला कोर्ट ने, ये भी बोला कि प्रिंट मीडिया रिपोर्टिंग द ट्रायल्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज लाइक द सेडिशन ट्रायल ऑफ लोकमान्य तिलक। उन्होंने पुराना एग्जांपल दिया कि पुराने टाइम में भी तो देखो जब ब्रिटिश राज होता था तो जो सेडिशन ट्रायल होते थे ये सब था, तो वो प्रिंट मीडिया जो थी वो भी तो पब्लिश करती थी। तब तुमने कहा क्यों नहीं कहा, करती थी तभी तो लोगों को पता चलता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना? सुप्रीम कोर्ट जजेस एडवाइज दैट इट वुड बी बेटर इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एक्सेप्टेड द न्यू रियलिटी रादर देन कंप्लेनिंग। उन्होंने बोला ये जो न्यू रियलिटी है, ये प्रेस जो इन्वॉल्व हो जाती है, इसको झेलना सीखो अब, है ना? सो द कोर्ट आल्सो प्रेज्ड द हाई कोर्ट्स फॉर देयर कमेंडेबल जॉब ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस। उन्होंने जो हाई कोर्ट्स ने अपनी उसमें पॉइंटर्स दिए उसके भी जॉब के लिए, उन्होंने यहाँ पे उसकी तारीफ करी हाई कोर्ट्स की। हाँ जी, और अपेक्स कोर्ट ने और क्या बात बोली, उन्होंने बोली कि जो अपेक्स कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टेटिंग दैट इट इज द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहते जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की प्रेस ने दी है, ठीक है, अब आप हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसमें प्रेस का कहीं नाम नहीं लिया, यही बोला था उन्होंने अपनी पिटीशन में। कोर्ट ने बोला ये पार्ट है, प्रेस इसका पार्ट है, प्रेस हैज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट बॉडी, सो इट शुड मेंटेन बीइंग सो। कहते हैं आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उनको वो चीज अपनी सोच के मेंटेन करनी चाहिए, उनको कुछ देखना चाहिए था, करना चाहिए था कि जो कोविड केसेस है इतने अराइज ना होते। सो आज के इस केस से हमने क्या सीखा है, हमने यही सीखा है अगर कुछ ओरल प्रोसीडिंग्स या ओरल कमेंट्स हो रहे हैं प्रोसीडिंग में, अगर वो पब्लिक डोमेन के लिए नेसेसरी हैं, तो पब्लिक हैज द राइट ओवर दोज कमेंट्स टू नो अबाउट दोज राइट्स। ठीक है, अगर वो प्रेस उसको प्रिंट भी करती है, that will be considered under article 19 as a right of freedom of speech and expression. So that was all in today's class. I hope you liked it. Thank you so very much.